हम थोड़ी देर वेट करेंगे बिफोर वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द सेशन, ताकि सब ज्वाइन कर लें। अच्छा, बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ये वाले इस पर्टिकुलर सेशन में जो है ना, क्वेश्चंस ज्यादा आस्क कर लो, ज्यादा पूछ लो जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आई थी कि काफी सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सेशन रिपीट भी कर रहे हैं एंड दे हैव सम क्वेश्चंस। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग वो डायरेक्टली पूछ लो एक सेशन में। इस सेशन को ज्यादा हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ लेके रख सकते हैं, बिकॉज मैं जो टॉपिक्स जो मुझे कवर करने थे अभी, वो तो मैं कर लूंगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू द बीबीसी वीडियोस, और वो ये चाह रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस वो करना चाह रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को शीट दे देता हूँ, तो आप लोग कर लो, क्वेश्चन कर लो यहाँ पे। लिंक दे दिया मैंने आप लोगों को, पीपीटी का क्या लिंक भी दे देता हूँ मैं आप लोगों को। दोनों लिंक्स प्रोवाइड कर दिए मैंने आप लोगों को। सेकंड लिंक जो है वो पीपीटी का है, पहला लिंक जो है वो जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोगों ने फेसबुक एड्स का सेशन देख लिया है जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया था। एंड आई थिंक वेट, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है जी। तो आप लोग में से कितने लोगों ने जो है सेशन लिया था ऑन फेसबुक एड्स रीसेंट, जो मैंने अभी अपलोड करवाया है बीबीसी में? अच्छा, नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने जो रीसेंट मैंने सेशन अपलोड करा है बीबीसी में, उसको एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि जितनी भी वीडियोस आप लोग ने अभी तक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में देखी हैं, उनमें दो तीन चार, तीन या चार ऐसे सेक्शंस हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और उन सब में सबसे ज़्यादा जो मैं वे करूँगा इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, मैं वो इस वाले सेशन को करूंगा जो शॉपिफाई, जो फेसबुक एड्स के ऊपर मैंने रीसेंट करा है। जी एग्जैक्टली, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, मुझे पहले
जी, सो आई थिंक जी एग्जैक्टली दिस इज द वन, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने ये वाले वो सेशन है जो पहले मैंने अपलोड किया हुआ था, फेसबुक एड्स ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, फेसबुक एड्स अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम कंटिन्यूड एंड टारगेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो आप लोग ने करे हुए हैं। जो तीन नए हुए हैं वो है फेसबुक एड्स टारगेटिंग टेक्निक्स, फेसबुक एड्स स्ट्रेटजी ओवरव्यू एंड क्रिएटिव टेस्टिंग, एंड जो आखिरी वाला है वो है फेसबुक एड्स डेटा कलेक्शन एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच। इसके बाद और भी अपलोड होने हैं, लेकिन ये पांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर जेन्युइनली आप लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग के लिए ये देखना वाजिब है, वरना काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग मिस आउट कर रहे होगे और आप लोग स्ट्रगल करते रहोगे। और शीट पे जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप लोग पूछ लो अभी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर जी। नेक्स्ट जो मेरा इरादा है वो गूगल एड्स के ऊपर ही है, वीडियो ऐड करने का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके सो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। मैंने शीट शेयर करी है आप लोग के साथ, मैं फिर कर रहा हूँ, ये लीजिएगा शीट का मैंने लिंक दे दिया। फॉर दोस्त जो थोड़ी देर से जिन्होंने ज्वाइन करा है सेशन, मैंने बता दिया इन लोगों को कि मैं पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंटरटेन कर लूं, बिकॉज काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने जो है ना वो पहले बीबीसी सेशंस देख लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा बस जी, श्योर बाबर, कोई इशू नहीं। तो मैं आप लोग बता देता हूँ, हमारे पास इंस्टाग्राम मार्केटिंग में दो तरह के खास एरियाज हैं। एक है हमारे पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एक है ऑब्वियसली इंस्टाग्राम एड्स। तो इंस्टाग्राम एड्स के लिए तो यू कैन ऑब्वियसली इफ यू स्टडीइंग, इफ यू गोइंग थ्रू फेसबुक एड्स सेशन जो मैंने लिए हैं अभी अपलोड करें वीबीसी में, तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट विद इंस्टाग्राम एज वेल। मैं स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम नहीं कवर किया, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम के स्पेसिफिकली कुछ एरियाज है प्लेसमेंट्स के जो अच्छे काम करते हैं, जिसमें से स्टोरीज और फीड सबसे ज्यादा काम करता है, राइट? और फिर तीसरा अगर कोई एरिया है जिसमें आप लोग को जंप करना चाहिए वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर आप लोग मेरी वीबीसी की वीडियो देख लें तो आप लोग को समझ आ जाएगा। और गूगल एड्स के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक बार साई मुस्तफा का आप लोग जो है ना कोर्स कीजिए। मैं साई मुस्तफा की थोड़ी तारीफ में कुछ बात बता दूं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है साई मुस्तफा, एंड ही वॉज द पीपीसी हेड एट दराज। ही बेसिकली ही इज द एक्स एम्प्लॉय ऑफ दराज और पीपीसी हेड कर रहा था वो, एंड ही वॉज हैंडलिंग अ बजट ऑफ 200,000 यूरोस पर मंथ। दैट वॉज द एड बजट दैट ही वॉज हैंडलिंग, ठीक है, 200,000 यूरोस पर मंथ फॉर दराज ऑन गूगल। आई थिंक दैट्स जस्ट फॉर आइदर वन प्लेटफॉर्म और बोथ, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट 200,000 यूरोस का बजट हैंडल कर रहा था ये। सो ही हैज हैंड्स ऑन विद गूगल। मैं आप लोग को प्लीज रिकमेंड करूंगा कि उनकी गूगल, इफ यू आर डूइंग शॉपिफाई डीएस या इफ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, यू शुड गो थ्रू हिज वीडियोस। एंड सेम गोज फॉर के रिगार्डलेस कि आप फेसबुक शॉपिफाई डीएस, फेसबुक एड शॉपिफाई डीएस के लिए यूज कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए, आप लोग एक बार फेसबुक एड्स की जो मैंने पूरे दो तीन वीडियोस ऐड करी हैं उनके थ्रू जाओ, जरूरी है तुम लोग को जाना। ओके, सो वी विल बी गाइडिंग अस ऑन हाउ टू मेक स्टोर एज वेल, यू शुड बी रेफरिंग टू वन ऑफ द टेक। अच्छा जाहिद, नहीं जाहिद, ये सवाल किसका है सबसे पहला? या अच्छा जिसका भी सवाल है मैं बता देता हूँ जी। मैं आप लोग को शॉपिफाई यूआई का एक टूर दे रहा हूँगा, बट दैट वुड बी प्रोबली इन द नेक्स्ट क्लास।
एक टूर दूंगा और साथ ही में मैं वीपीसी पे अब वीडियो भी अपलोड करूंगा कि सबसे ऑप्टिमम किस तरह स्टोर बनता है। उसके कुछ पॉइंटर्स मैंने स्लाइड्स पे भी डाले हुए, लेकिन कुछ चीजें चेंज हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, तो मैंने अपना थोड़ा सा कंटेंट कुछ अपडेट करने का सोचा हुआ है, तो वो वीपीसी में डायरेक्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। मैं उसका मैसेज भेज दूंगा आप लोग को वंस द वीडियोस आर अपलोडेड। सो सर, इफ यू हैव टू चूज वन थिंग बिटवीन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एंड इंटरनेट शॉपिंग फॉर बी अकॉर्डिंग टू सो जाहिद का सवाल है कि अगर हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो या किंडल करना चाह रहे हो, कौन सा इनकम सोर्स हम लोग जो है ना ऑप्टेन करें, विच शुड बी बेटर। तो ये डिपेंड करता है आपकी, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर तो आप किंडल इस तरह लॉन्च करना चाह रहे हो जैसे वीबीसी सॉरी जैसे ईसी रेकमेंड कर रहा है, जैसे हाइपर लॉन्च बंबू लॉन्च होता है एंड वीवीआरओज होते हैं एंड ऑल दैट, तो फिर आपके 8 से 10 हजार डॉलर लगेंगे, सही है, और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट 8 से 10 हजार डॉलर, आई मीन ये 8 से 10 हजार डॉलर हो सकते हैं सिर्फ मार्केटिंग में लग जाए आपके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के बुक बने एंड ऑल। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि $500 के साथ स्टार्ट करा, कुछ सक्सेस मिला उनको, देखा है मैंने, लेकिन बहुत कम को देखा है। $1,000 वालों को भी देखा है, ऑब्वियसली उनसे बेहतर थे। आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेजोरिटी लोग जिनको मैंने सक्सेस पाते हुए देखा है इन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, वो $2,000 या थोड़े से ज्यादा थे। तो मैं स्टार्टिंग थ्रेशोल्ड बोलूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग $2,000 जो है अपने दिमाग में मार्केटिंग कॉस्ट रखें। इधर उधर की कॉस्ट भी इनकर होती है, आप उसकी ज्यादा नहीं रखें, आप $400-500 रखें। जो $2,000 इन्वेस्ट कर सकता है, वो $2,500 भी कर सकता है, तो बस यू कैन स्टार्ट विद दैट। बट स्पेसिफिकली स्प्लिट टेस्टिंग और टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स एंड स्केलिंग देम के लिए आप एटलीस्ट $2,000 रखें। एक बार आप लोग को इसमें कोई अच्छा प्रोडक्ट नजर आया गया, तो आपने देखा होगा माशाल्लाह इकरा जो है हमारी कम्युनिटी से, शी हैज हिट अराउंड $100,000 इन ड्रॉप शिपिंग, और देर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज कमिंग इन इन ड्रॉप शिपिंग। बाबर ने बताया, बाबर आई थिंक यू अर्निंग अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यू अर्निंग अराउंड 200 2000 डॉलर्स पर मंथ जस्ट बाय बिल्डिंग अप शॉपिफाई स्टोर्स एंड हंटिंग और विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, इज दैट सो? सो एग्जैक्टली, एंड मार्केटिंग मार्केटिंग भी कर रहा है बाबर। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा, मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था, और आपका सवाल जाहिद बहुत लेजिट है। अगर आप लोग का ये बात याद रखिएगा कि किसी भी बिजनेस में 100% गारंटी नहीं होती, रिस्क एपेटाइट होता है। कुछ बिजनेस का रिस्क एपेटाइट हाई होता है, कुछ का मीडियम होता है, कुछ का लो होता है। आप पीएल कर रहे हो, पीएल मेरे ख्याल से, आई डोंट नो आप लोग इसको क्या बोलोगे, सनी भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, मेरे ख्याल से ये हाई, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप मेंटोर के बगैर कर रहे होते तो हाई रिस्क एपेटाइट होता है। विद मेंटोर रिस्क एपेटाइट आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। आई थिंक अगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप पीएल अकेले कर रहे हो तो आपका विनिंग चांस जो होता है इन पीएल इज अराउंड 50-50%। विद मेंटोर इट बिकम्स इन ट्रेनर्स, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मेंटोर्स के साथ आपका वही चांस अप टू 70% तक विनिंग विनर वो चला जाता है। अब इसी तरह शॉपिफाई डीएस का भी है। द प्रॉब्लम विद शॉपिफाई डीएस इज दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि उनको वो कुछ चीजें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, ये सोच के कि दिस इज इजी मनी। शॉपिफाई डीएस इज नॉट इजी मनी, एंड सो इज नॉट किंडल और एसोसिएट्स, नथिंग इज इजी मनी। तो अगर आप लोग पीएल के साथ एक और कोई मॉडल चलाना चाह रहे हो, तो मैं आप लोग को थोड़ी सजेस्ट दे देता हूँ। फॉर किंडल मैंने आप लोग को बता दिया मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की जरूरत होगी, लेकिन फिर उसमें फेलियर का चांसेस भी है, तो
मैं बोलूंगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी बहुत आराम से पड़ी हुई है लेकिन दिमाग में रखिएगा, मैं आप लोग से ये नहीं बोल रहा कि 100% चांस है सक्सेस का इन पीएल और इन किंडल। ऑल आई एम सेइंग इज अगर आप आराम से 8-10 हज़ार डॉलर निकाल सकते हो और आप बर्दाश्त कर सकते हो, अल्लाह ना करे अगर आपको लॉस भी हो तो आप ये बोलो कि सही है कोई बात नहीं चला गया चला गया, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग शॉपिफाई डीएस के बजाय आप लोग किंडल में चले जाओ। अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं यार मुझे 2-3 हज़ार डॉलर ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं और मैं किसी इनकम सोर्स से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग जो है शॉपिफाई से स्टार्ट ले लो। लेकिन शॉपिफाई के लिए मैं हर किसी को रेकमेंड ही करता हूँ कि अगर अकेला एक बंदा कर रहा है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, थोड़ा इसको इश्यूज होते हैं, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, मसले होते हैं, क्योंकि बंदा शॉपिफाई अकेला नहीं कर रहा होता, कोई और काम भी कर रहा होता है। तो इसके लिए बेहतर मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि एक वीए के साथ कर लो या कोई पार्टनर रख लो साथ में और काम डिवाइड कर लो, ठीक है। जाहिद आई डोंट नो अबाउट किंडल पार्टनरशिप, इतना मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि जितने लोग भी हम लोग जिनको एंटरटेन कर रहे हैं अभी सक्सेस ग्रुप जो बना है उसमें पार्टनरशिप वाला आई डोंट नो, एक्चुअली आई रियली हैव नो से ओवर दिस कि पार्टनरशिप 30-70 सही है, 30-70 कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन बेहतर यह है कि आप लोग ये सवाल जो है ना डायरेक्टली सनी भाई से भी पूछो और इन द ओपन कम्युनिटी, तो वो आप लोग को ज्यादा गाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एसोसिएट्स है, अगर आप राइटर हो तब तो आपकी मेजोरिटी ऑफ द कॉस्ट जो भी आपकी आएगी वो वैसी वहां पे बैठ जाएगी। वेबसाइट बनाने की कोई खास पैसे होते नहीं है, वन टाइम का सीन है, आपने बना दिया, बस आपको अपलोड आर्टिकल्स को रैंक करने के ऊपर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ देखना है, तो वहां पे आपका जो है ना काफी बेहतर हो जाता है। तो आई होप आप यहाँ पे काफी हद तक समझ गए हो कि कहाँ पे आप जा सकते हो। शावेश ने बोला है कैन वी यूज इंडिविजुअल पेपैल फॉर शॉपिफाई डीएस और बिजनेस पेपैल इज नेसेसरी? बिजनेस पेपैल इज नेसेसरी, मैं पहले आप लोगों को बोलता था, लोगों को बोलता था कि आप लोग पर्सनल पेपैल के ऊपर चले जाओ, लेकिन पर्सनल पेपैल के साथ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इश्यूज फेस हो रहे हैं, बिजनेस पेपैल के साथ प्रोसीड कर लो, तो मैं बोलूंगा बेहतर है। इसके ऊपर मैं और ज्यादा अपडेट दे दूंगा इंशाल्लाह, कोई वीडियो या कोई एक पोस्ट बना लूंगा मैं कि व्हाट्स बेटर बेटर, लेकिन आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि पेपैल बिजनेस इज बेटर अलोंग विद स्ट्राइप और शॉपिफाई पेमेंट, ठीक है। इज शॉपिफाई डीएस डूएबल इन करंट पीरियड? आई हर्ड द शिपमेंट्स आर बीइंग डिलेड। शॉपिफाई डीएस इज डूएबल इन करंट पीरियड बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डूइंग इट फ्रॉम अली एक्सप्रेस। आपको सप्लायर ढूंढना आना चाहिए अली एक्सप्रेस में, और ये मैंने अपनी शायद इसी बैच के पहली या दूसरी वीडियो में बताया था कि सप्लायर ढूंढने का एक अच्छा आसान तरीका क्या है, कि आपको एक सप्लायर मिल जाए जिसके प्रोडक्ट्स यूएस वेयर हाउस में रखे हुए हो, लेकिन आपने बात करनी होगी उस सप्लायर से ऑन चैट, सही है। ये ऑप्शन आपके पास अली एक्सप्रेस पे मौजूद होता है कि आप सप्लायर से बात कर लो, नहीं तो फिर आपके पास जो है ना थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस भी हैं और उनकी अपनी एपीआईज आती हैं जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, ओबेल्डू की तरह काम करेगा और आपके लिए इंपोर्ट करना और मतलब ऑर्डर फुलफिलमेंट करना जो है ना बहुत आसान होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ओके सो फॉर वीडियोस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर टू ऑप्टिमाइज वीडियोस प्लीज रेकमेंड। अच्छा सो रिगार्डिंग वीडियोस मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट करा है फेसबुक पे, किसी ने कोई सवाल करा था रिगार्डिंग वीडियोस। रिगार्डिंग वीडियोस मैं आप लोग को एक आउटलाइन बता दूंगा, फिर आप लोग चाहो तो अपना डिजाइनर रखो, मैं अभी आ रहा हूं आप सवाल पे, आप लोग चाहो तो अपना डिजाइनर रखो या आप लोग चाहो तो किस अपना मतलब फाइवर पे या किसी और जगह पे आप ये ढूंढ लो, लेकिन मैं आप लोग को एक आसान तरीका बता देता हूँ चलें, क्योंकि आप लोग ने मुझसे बात करी है, सॉरी। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि वीडियो अगर हम लोग को बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं। मैं आपसे अब देन अगेन दूसरा जो जो तरीका मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप लोग ढंग से इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा काम कर सकते हो आप लोग। पहली चीज तो ये है कि आप लोग ने पता लगा लिया कि भाई ये विनिंग प्रोडक्ट है, इसमें शायद सेचुरेशन नहीं है और सही है, मैं इसके ऊपर प्रोबेबली आई कैन स्कोर सम सेल्स। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी प्रोडक्ट ढूंढा कहीं से भी, आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढा
नाउ योर ना एरिया जहां पे आपको जो है ना वीडियोस ढूंढनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब जरा रुकिएगा, मैं जरा कोई पहले एक प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाता हूँ आप लोगों को। आई डोंट थिंक, नहीं ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ये ड्रॉप शिपिंग है। अब आप लोग देखिएगा कि इसको मुझे अली एक्सप्रेस के ऊपर निकालना है, तो मैंने अपने पास जो है ना अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज रखा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट है, मैंने राइट क्लिक करा एंड सर्च गुड्स ऑन अली एक्सप्रेस कर दिया मैंने, तो ये निकल आएगा इसका प्रॉबेबली। आई थिंक एटलीस्ट ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। अब मुझे ना इसका कीवर्ड फाइनलाइज करना है, मतलब मुझे इसकी वीडियोस चाहिए बहुत सारी, मुझे इसका कीवर्ड फाइनलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये वही प्रोडक्ट आ गया, डिट्टो वही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब मैं देखूँ हैंड वुवन बग प्रूफ बास्केट, हैंड वुवन बग प्रूफ बास्केट, हैंड वुवन बग प्रूफ बास्केट। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो कि इसका जो कीवर्ड है, ये आप बोल सकते हो हैंड वुवन बास्केट भी बोल सकते हो, हैंड वुवन फूड सर्विंग बास्केट भी बोल सकते हो, हैंड वुवन बग प्रूफ बास्केट भी बोल सकते हो इसको, या डस्ट प्रूफ बास्केट, ठीक है। दो तीन कीवर्ड्स हो गए, आप उसको अपने एक नोट पैड पे लिख लोगे एंटर मार मार के, दो से तीन चार जो भी कीवर्ड्स हैं जो अली एक्सप्रेस दिखा रहा है और जो आप जिस नाम से आपके कॉम्पेटिटर ने उसको नाम दिया हुआ है, जो भी कॉम्पेटिटर ने उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने एक वेट, मैं इसको सर्च करूंगा विद हैंड वुवन बास्केट फॉर नाउ, फॉर नाउ। रुकिएगा यार, हैंड वुवन, अब मैं इसको जो है ना इसको ये पूरा कीवर्ड उठाऊंगा, बग प्रूफ बाद में डालूंगा, अभी फिलहाल मैं हैंड वुवन बास्केट के साथ सर्च कर रहा हूँ। आई एम श्योर शायद और भी आ जाए, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं एक जेनेरिक कीवर्ड उठाना चाह रहा हूँ ताकि मेरी सर्च जो है वो बहुत एक्सपेंडेड हो, जितने भी कीवर्ड्स आ सकते हैं इससे रिलेटेड वो आए अभी फिलहाल मेरे सामने, ताकि मैं देख सकूं। आई थिंक इज दिस, नो आई एम सॉरी, ओके सो ये नहीं है, तो लेट्स लेट्स सर्च विद बग प्रूफ बास्केट। ओके यहाँ पे भी नहीं है, आई एम गोना सर्च दिस वन। अच्छा, अगर आप वैसे मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये जो केस है अभी आप लोग को मेरे सामने नजर आ रहा है, इसमें आप लोग को एक फायदा है बहुत बड़ा, मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है। अभी जो ये प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा इसके वो कितने थे। रुके मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं इसका वो देख लूँ, फेसबुक, ये रहा। मैं इसके फेसबुक पे क्यों जा रहा हूँ मैं बताता हूँ, मैं इसका एक बार सोशल प्रूफ, किसी को याद है इस पे कितना था, हाई था या लो था? किसी को याद है सर्च दैट आई फाउंड है कि इस पे सोशल प्रूफ कितना था, इस पर्टिकुलर जो एड जो मैंने देखा था अभी? ये तो गलत दिखा रहा है, एड चला रहा है ये जबकि। ओके सो ऐसा भी काफी बार होता है कि ये ताकि कोई इनको वो ना कर पाए, एक मिनट रुकिएगा, मैंने असल में गलती ये करी, मैंने गलती से जो है ना वो एड भी मिस आउट कर दिया, माय बैड। मैं अगर इसको होम पे, वापस होम पे जा रहा हूँ, मैं एक और प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। अच्छा बहरहाल, तो बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को करना ये है कि मैं एक प्रोडक्ट, मुझे और कोई नजर आ जाए, ओके सो दिस इज अनदर प्रोडक्ट। अब मैं इसको यहीं पे रखूंगा और मैं इसको यहाँ पे रखूंगा। आप लोग ने करना ये है, ये देखिए मैंने क्रोम एक्सटेंशन भी डाली हुई है फेसबुक एड्स को डाउनलोड करने के लिए ना, ये वीडियो आप डाउनलोड कीजिए और इसके साथ साथ आप तीन से चार या छह सात आठ जितनी भी
अच्छी क्वालिटी वीडियोस आप लोग को मिलती है, वो सब आप लोग डाउनलोड कर लें। सबसे पहले तो ये करें आप लोग, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट, बट अगर मुझे लग रहा है कि शायद इसने बहुत अच्छी फोटोग्राफी करवाई हुई है। बहरहाल ठीक है, और मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस हाउ इट्स डन एक्चुअली। नो नहीं, ये वो चीज है नहीं। अगर मुझे सिर्फ अच्छा, सो होता ये है, ये इंटेलिजेंट वे होता है ऑफ सर्चिंग, बट अगर आपको बेसिकली इस तरह का प्रोडक्ट सर्च करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज हो ना, तो ज्यादा आसान हो जाता है सर्च करना। तो आई विल ट्राई कि इस इमेज को सर्च करूं मैं। आई लेट सी क्या आता है, नहीं आता। अगर नहीं आता तो वी कैन एज्यूम कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इट्स हार्ड टू बिलीव आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सर्च करने का भी एक बहुत बेहतर तरीका बता दिया, स्मार्ट वे। होता क्या है, इस इमेज पे अगर आप लोग देखें ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लटर, के एक ह्यूमन एलिमेंट भी आ गया, देयर इज लॉट ऑफ अदर स्टफ गोइंग ऑन दिस, राइट। एंड इस पे अच्छा, इस पे सोशल प्रूफ अच्छा नहीं है, बाय द वे इस पे सोशल प्रूफ ना अच्छा नहीं है, लेकिन इट्स वर्थ अ शॉट। एंड आई एम एज्यूमिंग कि ये कोई प्रोडक्ट जो है ना, ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसकी जो बोलते हैं ना नॉक ऑफ प्रोडक्ट बनाई है किसी चाइनीज सप्लायर ने। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ओवर हियर। ठीक है, सो अब मैंने ये करा है, अब मैं क्या करूंगा, एक और चीज कि मुझे ये क्योंकि अली एक्सप्रेस पर मिल गया है व्हाइट मल्टीप्लिकेशन एग, मैं इसकी कीवर्ड्स को लेके ना सर्च करूंगा इधर, और मैं वीडियोस के सेक्शन में जाऊंगा, और एट द सेम टाइम मैं जो मेरे कॉम्पेटिटर है उसका भी कीवर्ड लूंगा, और इसी के साथ साथ मैं देखूंगा कि अली एक्सप्रेस पे ये किस नाम से जा रहा है, मल्टीपर्पज फॉर्म पार्टिकल्स, सो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड दिस। थोड़ा सा मुश्किल है वैसे, मुझे लगता है ये मिले, लेकिन लेट्स सी। आई थिंक हमें, आई एम नॉट श्योर अगर ये वही चीज है, लेकिन मुझे थंबनेल से लग रहा था कि शायद वही चीज हो। नहीं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग। ओके ना, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, ये वही चीज है। ठीक है, और फिर हम कुछ वीडियोस को यहां से डाउनलोड करेंगे, और एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं वीडियोस ढूंढने का, लेकिन दिस इज पेड, बिक्सपाई। बिक्सपाई क्या करता है, इट्स फेसबुक इसको इंडोर्स इसलिए नहीं करता बिकॉज फेसबुक इस तरह के स्पाई टूल्स को अलाउ नहीं करता, या ऐसी एपीएस को अलाउ नहीं करता जो उनके डेटाबेस में स्क्रेप करें डेटा को और अपने पास लेके आए और फिर लोगों को उसके अंदर इनसाइट्स दें और समथिंग समथिंग अलोंग दोस लाइंस। तो ये क्या करेगा, अगर आप लॉगिन करते हो बिक्सपाई पे, एंड आई थिंक इन्होंने अपना नया टूल भी निकाला है अमेजोन स्काउट के नाम से, तो यू कैन स्पाई ऑन एड आइडियाज एंड डिफरेंट एड्स। आपको सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ मेन कीवर्ड लिखना है अपना यहां पर, जैसे आप देख रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने लॉग इन नहीं करा हुआ तो ये मुझे दे नहीं रहा। आपको अपना मेन कीवर्ड लिखना है, जैसे मैंने अभी फेसबुक सर्च बार पे लिखा है, और ये फेसबुक से ज्यादा अच्छा जो है ना डेटा स्क्रैप करके आप लोगों को दिखा देगा सारी चीजें, कि ये सारी वीडियोस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमारे पास, मतलब बेसिकली फेसबुक पे अवेलेबल है, और आप डायरेक्टली बिक्सपाई से डाउनलोड कर सकते हो। अब तरीका ये है कि इससे पहले आप अपनी वीडियो बनाएं फाइवर पे या अपने किसी वीडियो एडिटर से, आपने जो मैंने इनिशियल, अगर आप लोग मेरी वीडियो पे जाएं बीबीसी पे जो मैंने फेसबुक एड्स की कवर करी है,
उस पे आप लोग देखेंगे कि मैंने क्रिएटिव टेस्टिंग बताया। इफ यू गाइस टेल मी, मैं आप लोग को इन डिटेल फेसबुक एड्स के ऊपर फिर से करवा दूंगा, लेकिन मैं अभी आप लोग सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने क्या बात करी। देखिए, इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग, इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग में मैं चाहूंगा आप लोग के पास कम से कम 5 वीडियोस हो टेस्ट करने के लिए। अब मैं डिटेल में नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं यू गाइस शुड गो इन बीबीसी एंड वॉच दिस वीडियो इन डिटेल। ये मैं एक सेशन इसके ऊपर सेपरेट कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मैं 2-3 आइडियाज के बारे में मिला जुला के बात कर रहा हूं, तो इस वजह से अभी फिलहाल आई लीव थिंग्स हियर। इनिशियल क्रिएटिव टेस्टिंग में आपके पास कम से कम, कोशिश करें एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड 5 वीडियोस हो, मिनिमम 3 हो, आइडियली 5 हो, और 8 हो तो और ही बहुत अच्छी बात है। बहरहाल, आपने बिग स्पाई यूज करा, फेसबुक एड्स यूज करा, और कहां से वीडियोस आपको मिल सकती हैं? कुछ इमेजिन कर सोचे आप लोग, कहां से मिल सकती हैं आप लोग को? चाहिए यूट्यूब से भी मिल सकती हैं आप लोग को। और जहां से आप लोग को मिलेंगी वीडियोस वो है ड्रॉप शिपिंग सेंटर। सही है, ड्रॉप शिपिंग सेंटर से भी मिल सकती हैं। ठीक है, उसका आसान तरीका क्या है? और ये मैं आप लोग का, ये इसके साथ साथ ही जो है ना, मैं आप लोग का वो वाला सेक्शन कवर करा रहा हूँ जो कि उस पे था, विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने का तरीका। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस ने आज से कोई तकरीबन 8 महीने पहले, में भी या 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पहले ये अपना हिस्सा निकाला है। पहले ये था, मैं इस बात से इनकार नहीं है, ये हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपग्रेड करा इस पूरे हिस्से को। ठीक है, तो अब यू कैन ऑल्सो हंट विनिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डेस्सी, फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। उन्होंने अली एक्सप्रेस वालों ने खुद से अपना पूरा यहाँ पे एक सिस्टम निकाला हुआ है। तो अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, और मैं फॉर एग्जाम्पल मेन कीवर्ड को लूंगा। वैसे मुझे आई हाईली डाउट कि इसके ऊपर मुझे कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन सप्लायर वीडियोस मिल सकती हैं। सप्लायर वीडियोस आर फ्री टू यूज, उसमें आप लोगों को कोई कॉपीराइट के इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने सर्च करा, प्रोडक्ट आ गया, एंड अनफॉर्चुनेटली इसके, क्योंकि सिर्फ 2 ही हैं और मैं इसके ऊपर वीडियो पे के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आई डाउट, जैसे मैंने बोला कि नो डाटा इज अवेलेबल। सो मल्टीपर्पज फोम पिलो, थोड़ा सा मैं सर्च टर्म को छोटा करता हूँ ताकि सर्च रिजल्ट ज्यादा आए। लेट्स सी, इतना टाइम लेगा, मे बी इंटरनेट इशू के। अच्छी बात यह है कि बिग स्पाई ने जो है अपना एक और नया टूल निकाला है, अमेजॉन amzchart.com के नाम से। ये आप लोग यूज कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे सारे पीएल वाले बॉयज एंड गर्ल्स भी बैठे हुए हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, देखिएगा कैसा टूल है। वैसे ये लोग टूल्स बहुत अमेजिंग निकालते हैं, बहुत अमेजिंग टूल्स निकालते हैं ये लोग। तो जस्ट गो थ्रू इट, चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या पता कुछ अच्छा मिले। तो अपने अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा विद द कम्युनिटी के ये एक टूल है, एंड हाउ यू गाइज कैन हाउ द कम्युनिटी कम्युनिटी कैन मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, तो जरूर इसको यूज कीजिएगा आप लोग, और इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। गिव योर इनसाइट, कोई इनसाइट जरूर शेयर करे, और प्लीज मुझे भी टैग कीजिएगा उसमें, ताकि मुझे पता चले कि आप किसने क्या इनसाइट शेयर करा है, सो दैट या। तो फॉर्म गोइंग टू ट्राई वन मोर टाइम। हाँ, अब ज्यादा वीडियोस आई हैं, लेकिन आई स्टिल डाउट कि इस पे वीडियो। ओके, सो एक ऐसा सप्लायर है जो इस प्रोडक्ट के ऊपर, आई थिंक नॉट द सेम प्रोडक्ट, नॉट द सेम प्रोडक्ट बट सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर अपनी वीडियो दे रहा है। ये देखें, एंड सी, वेट लेट मी जस्ट ओपन अप द साउंड, एंड आप लोग ये देख भी सकते हैं कि ये वीडियो इज लाइक समथिंग दैट यू कैन यूज ऑन योर ड्रॉप शिपिंग। काफी अच्छी नीट वीडियो है, सबकी सारी वीडियोस ऐसी नहीं होती। Hello friend, I've come to talk with you again. Left its seeds while तो अब लोग क्या करते हैं, अच्छा अब क्या करना है आप लोग को, आप लोग ने ये वीडियोस ली, ठीक है, और ये वीडियोस लेके आप लोग ने क्रिएटिव टेस्टिंग करी। ठीक है, क्रिएटिव टेस्टिंग में फॉर्मूला क्या है यूज करने का क्रिएटिव टेस्टिंग को, वो आप लोग अभी वीबीसी में जाके देखिए, वरना मेरे सेशन का वेट कीजिए जब मैं फेसबुक एड्स के ऊपर आऊंगा।
क्रिएटिव टेस्टिंग आपने 5 वीडियोस के ऊपर करी और 5 वीडियोस के ऊपर आप लोग ने 1000 इंप्रेशंस तक, ये सिर्फ $5 से $10 तक की करनी है, याद रखिएगा, या थाउजेंड अप टू 1000 इंप्रेशंस और $5 to $10 तक की टेस्टिंग करनी है, बस टेस्टिंग हो गई, स्टॉप दोज एड्स देयर एंड देन। अगर आप लोग के पास रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्रोसीड विद द प्रोडक्ट और उस जो विनिंग वीडियो है, जो विनिंग वीडियो है, जो विनिंग क्रिएटिव है, उसको लें और आप लोग फाइबर पे जाइए और यहां पे लिखिए Shopify ड्रॉपशिपिंग वीडियो एड्स, तो आप लोग को अनगिनत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको वीडियो बना के देंगे। नाउ हियर्स द थिंग, गौर से सुनिएगा, आप लोग ने अगर एक वीडियो बनानी है स्टार्ट में, सिर्फ एक, जो कि उसको अभी मैं इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि वीडियो एड्स एग्जैक्टली उसका पूरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए वीडियो एड को बनाने का, लेकिन मैं अभी आप लोग को यहां पे आइडिया दे देता हूं। आप लोग ने हंट कैसे करना है अच्छा सेलर, और प्लीज पैसों को मत देखिएगा यहां पर, 365 एटलीस्ट 100+ रिव्यूज हो, एटलीस्ट 100+ रिव्यूज हो, हार्ड कोर मैं आप लोगों को बता रहा हूं रूल्स, इसी के तहत आप लोगों को हंट करना है, एटलीस्ट 100+ रिव्यूज हो, एटलीस्ट 4.9 रेटिंग हो या 5 रेटिंग हो, तो इस ये भी रिजेक्ट होता है, ये भी रिजेक्ट होता है, ये भी रिजेक्ट होता है, सिर्फ ये सेलेक्ट हो गया या हुआ है जो भी, फिर ये भी रिजेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लें, रिजेक्टेड 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 सेलेक्टेड, सही है, 1, 2, 3 सेलेक्ट हुए, आप लोग इसको 7 लिस्ट करिएगा, नई लिस्ट क्रिएट करिएगा, मैंने बहुत सारी लिस्ट क्रिएट करी हुई है, नई लिस्ट क्रिएट करिएगा Shopify ड्रॉपशिपिंग के नाम से, वीडियो एड्स के नाम से, और उसमें इन सबको सेव करते जाइए, गो डाउन हंट मोर, यहाँ पे कोई है नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे, और देखते हैं, आपको आप लोग को बहुत आराम से और मिल जाएंगे अगर आप लोग ये करो Shopify ड्रॉपशिपिंग फेसबुक एड्स, ठीक है, अगर आप लोग ये सर्च करोगे ये देखें और डिफरेंट और आई विल मेक प्रो Shopify ड्रॉपशिपिंग फेसबुक एड्स अंडर 24 आवर्स, मतलब आई होप यू गाइस गेट द आइडिया ओवर हियर, कि बेसिकली ये बंदा आपके फेसबुक एड के लिए एक वीडियो बना के दे रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सही है, सेलेक्ट दिस वन एज वेल, नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए और क्या हो सकता है, अच्छा दिस वन एज वेल, वीडियो एड्स फॉर ड्रॉपशिपिंग, एग्जैक्टली दिस वन एज वेल, एटलीस्ट ट्राई टू गेट 10 डिफरेंट गिग्स ऑन बोर्ड और फिर सबको एक ही मैसेज कर दीजिए, एक ही मैसेज, एक आपका ओपनिंग मैसेज हो जिसमें आपने बोला कि सी मुझे जने ये वीडियो बनवानी है, प्रॉब्लम भी मैं आपसे और भी वीडियोस बना रहा हूँ बनवा रहा हूँ, आप बताएं क्या मुझे कोई डिस्काउंट दे सकते हो थोड़ा बहुत एज अ बिकॉज आई एम योर मतलब आई एम योर फर्स्ट टाइम कस्टमर बिकॉज मैं आपसे पहली बार ऑर्डर करवा रहा हूँ, एंड अगर अगर आपका अच्छा गया रिस्पॉन्स तो आई विल डेफिनेटली री ऑर्डर, तो बहुत सारे जो होते हैं ना सप्लायर्स आई मीन सॉरी सेलर्स वो आपको और डिस्काउंट दे देते हैं, दिस वे यू गेट योर वीडियो मेड, ठीक है, एंड देन उस प्रोडक्ट की वीडियो इज मेड, फिर आप जो है ना उसके साथ प्रोसीड करो, लेकिन याद रखिएगा जो आपका विनर क्रिएटिव है उससे काफी क्लोज रखिएगा, या उसमें से बेसिकली जैसे हम कंटेंट में से प्लेजरिज्म हटाते हैं, उसमें से प्लेजरिज्म कुछ करके हटा दीजिएगा, थोड़ा सा उसको अपना लुक एंड फील दे दीजिएगा, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर मुझे कोई एक विनर प्रोडक्ट मिलता है तो मैं उसकी एटलीस्ट 4 या 3 वीडियोस बनाना चाहूंगा और क्रिएटिव टेस्टिंग करवाना चाहूंगा, सो देयर टू वेज, एक ये है कि थोड़ा सा बजट फ्रेंडली जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को लेकर सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग कर लो, पता लगा लो कि विनर प्रोडक्ट है कि नहीं, और दूसरा तरीका यह है कि आप तो अगर पता है एंड यू नो दिस फॉर श्योर कि विनिंग प्रोडक्ट है और आपके पास बजट कॉन्स्टेंट्स नहीं है, आप डायरेक्टली उसकी 2-3 वीडियोस बनवा लो या 4 वीडियोस बनवा लो फ्रॉम द सेलर एंड देन प्रोसीड विद द क्रिएटिव टेस्टिंग, व्हाटएवर सूट्स यू, इसको मिक्स मैच कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। यू कैन डू दिस, लेकिन इसकी टेक्निक होती है, यू कैन डू दिस, ठीक है, ये बता चुका मैं आपको,
Shopify with products testing. Products everything. मुझे थोड़ा सा ना आपका सवाल थोड़ा सा बाबर आप अच्छा सो मैं जो लोग रिगरस टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं उनको ही उनकी ही शॉपिफाई जर्नी ज्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन मैं एक बता देता हूँ. मेरा ख्याल ये है कि अगर आप लोग बहुत तेजी से टेस्टिंग करना चाह रहे हो और आप लोग रिजल्ट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि व्हाट इज व्हिच इज बेसिकली द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू टू स्केल विद, अगर उसमें कोई सेल्स आई है, तो देयर इज नो वन वे of doing this. Agar aap split testing, which I think third party software, finding software from third party software and testing. Haan, to jaise ke salesforce.io ho gaya, ecom hunt ho gaya, and I'm sure wahan pe there are bahut sare aur bhi hain jo maine use bhi kare hue. There's ek hunt kya naam tha, main bhul bhi gaya. I maine sites ke upar naam bhi dala hua hai. Theek hai. E-snipe hunt ya e-sniper something karke kuch naam hai. याद नहीं आ रहा मुझे. ई स्नाइपर, ठीक है, वो यूज कर सकते हो आप लोग. डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए. इवन बिक्सपाई भी यूज कर सकते हो. ठीक है, बिक्सपाई बता देता है कि आजकल कौन सा. मैंने आप लोग को और भी बहुत सारी प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स बताई हैं, वो यूज कर सकते हो आप लोग. कहाँ चला गया. So I would recommend कि हाँ आप definitely you can opt in for a tool जो आपको regular basis पे बहुत सारे products suggest करता हो. If you want to basically skip the hunting part of the process, कि आप ये चाह रहे हो कि यार hunting मेरे लिए कोई और करे, तो opt in for these third party solutions जो आपको winning products रोज hunt करके देते हैं. लेकिन ये बात याद रखिएगा आप लोग कि अगर आप लोग hunting के लिए जा रहे हैं तो वही एक प्रोडक्ट बहुत सारे और लोग भी टेस्ट कर रहे होते हैं. तो डोंट थिंक के आप अकेले हो और आप एंजॉय कर लोगे उस अकेले फल को. और भी बहुत सारे लोग होंगे व्हिच हु विल ट्राई टू टेक अ पीस ऑफ द पाई. सर हाउ डू वी नो इफ द प्रोडक्ट इज आउटसोल्ड, मींस पॉसिबल टू मच, इज इट वर्थ सेलिंग, क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीवियस सेशन. अच्छा सो एक तरीका सैचुरेशन जानने का ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, सबको पता है घिसा पिटा कीवर्ड है और बहुत लोग इसके ऊपर जो है ना प्रोडक्ट अमेजोन पे भी बेच रहे हैं और शॉपिफाई पे भी बेच चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट. क्या नाम था यार उसका, बॉस से करेक्ट है. मैं पोस्चर करेक्टर लिखता हूं. ठीक है, एक आसान तरीका यह है कि ये कितना लोगों ने इसको मतलब इस प्रोडक्ट को रिगाड़ दिया है, मतलब कर करके कर करके कर करके कर करके इतना कर दिया है कि लोग अब अभी भी लोग कर लेते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं भाई, स्टॉप इट. मतलब ठीक है, अगर इस पे आपको अनगिनत वीडियोस मिले जा रही हैं, मिले जा रही हैं, मिले जा रही हैं, तो इसका मतलब यार मतलब ये देखो वीडियोस खत्म ही नहीं हो रही ना, खत्म. अभी मैंने आप लोग को एक कीवर्ड दिखाया था, वुमेन फूड सर्विंग बास्केट. इसके ऊपर रेलेवेंट वीडियोस आई नहीं रही थी, मतलब जो अली एक्सप्रेस पे है, तो तभी बंदा इसके ऊपर सर्च भी कर रहा था. दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग सैचुरेशन है कि नहीं. ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज. तो मतलब अभी भी लोग इसको, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दिस इज नॉट ऑल. ठीक है, लोगों ने और भी बहुत टेस्टिंग करी है उसके ऊपर. अपसेल होता है, हाँ अपसेल होता है. लोग करते क्या है कि लोग डायरेक्टली इसको सेल नहीं कर रहे होते, लेकिन इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल मुझे पता है मुझे सर्वाइकल इश्यूज हैं. ये जो इशू है जो मैं बीच में 2 महीने के लिए गायब हो गया था ईसी से, 2-1 महीने के लिए, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल इशू, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. ठीक है, अब आप ये सर्च कर सकते हो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और किन लोगों को और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आई मीन टू गेट रिड ऑफ और टू ईज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. सही है, और फिर जब आप वो बंदा चेकआउट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ और वो ओवरसोल्ड नहीं हो ऑलरेडी, तो आप उसके साथ अपसेल करो इस प्रोडक्ट को कि हे वी आर गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन दिस करंट प्रोडक्ट एज वेल, और फिर
वहां पे जो होता है ना आपका जूस निकल आता है और ज्यादा, आपकी एवरेज कार्ट वैल्यू बढ़ जाती है. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ओवर हियर. ठीक है, तो प्रोडक्ट कोशिश करो, एक आसान तरीका ये है सेचुरेशन जानने का. एक और तरीका ये है कि आप अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाके ढूंढो, अब जैसे कि वेट, तो जैसे आप लोग तो देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा ये विनिंग है नहीं है, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा इस बात का कायल हूं कि मैं हर चीज को स्प्लिट टेस्ट करता हूं. ठीक है, द थिंग इज कि आप क्या किस एंगल से अपने ऑडियंस को दिखा रहे हो. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस पे टोटल नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं. ये प्रोडक्ट इटसेल्फ ये बोल रहा है कि ये एक ओवर सोल्ड प्रोडक्ट नहीं है, इवन दो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं इसको. ठीक है, लेकिन अगर वही, देन अगेन मैं पोस्चर करेक्टर की तरफ जाऊंगा तो मुझे ऐसे अनगिनत ऐसे वो मिलेंगे जो लोग बेच रहे हैं एक्चुअली, और कितने हेवी सोल्ड है, मतलब कितने सारे लोग इसको बेच चुके हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिहाज से इसको अरेंज करूंगा तो 33,000 सोल्ड नंबर वन पे लेके बैठा हुआ है, 16,000 यूनिट सोल्ड, 15,000 यूनिट सोल्ड, 12,000 यूनिट सोल्ड, 9,000 यूनिट सोल्ड. इससे भी ये दीज आर द टू बेसिक वेज कि आप ये पता लगा सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा ओवर सोल्ड है और मुझे जाना चाहिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, जैसे ई कॉम हंट या salesforce.io, तो थोड़ा यहां पे भी चेक कर लो कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा ओवर सोल्ड है कि नहीं, और उसमें वाव फैक्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है, एक बंदे ने इसका पूरा यूज बताया हुआ, फीचर्स बताए हुए, और उसके एक वीडियो एड बनाया हुआ, मे बी ये सेल करना शुरू कर दे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या आपको इसमें कोई वाव फैक्टर नजर आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इतना नजर नहीं आ रहा. अगर मैं वाव फैक्टर की इसमें परसेंटेज दूं आउट ऑफ 10, या बस आउट ऑफ 10 मैं बोलूं कि मैं इसमें कितना वाव फैक्टर बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3-4. लेकिन अगर मुझे जेन्युइनली इसमें वाव फैक्टर नजर आ रहा है अप टू 8-7+, तो मैं बोलूंगा हाँ यार चलो ठीक है, मैं इसको प्रोडक्ट प्रोमोट करना चाहूंगा. ठीक है, अच्छा वेट, और सवाल देख लेता हूँ. सर, हाउ डू वी नो इफ द प्रोडक्ट इज, ये मैंने बता दिया, स्पीड इश्यूज विद द स्टोर आफ्टर मोर देन 50 प्रोडक्ट्स. अच्छा, सो देखो शॉपिफाई के साथ ना एक इश्यू है बाय डिफॉल्ट. शॉपिफाई का कोई भी स्टोर जो होता है ना, वो एसईओ में, मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, उसकी थोड़ी हमेशा कहीं ना कहीं कसर रह जाती है. अगर आपको स्टोर के स्पीड इश्यूज फिक्स करने हैं तो आप फाइवर पे चले जाएं, एक छोटी सी गिग ले लें और वो आपको आपके स्टोर इश्यूज फिक्स कर देगा, एटलीस्ट जितने हो सकेंगे. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि आपने जो पिक्चर्स और जिस एड करी भी हैं अपने स्टोर पे, कोशिश कीजिए कि वो उनका साइज ऑप्टिमाइज हो. अब मैं इसके ऊपर एक पूरी क्लास दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उस तरफ जा नहीं रहा, बिकॉज एसईओ भी मैं जानता हूँ. तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए कि हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई, यार, या फॉर एग्जाम्पल, साइट इमेज, आई होप वी कैन फाइंड फॉर 14 बेस्ट फ्री इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स. सही है, इसी तरह आप अपनी जिफ इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज कर लो, तो इसकी वजह से आपका लोड टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा. ठीक है, सही है. व्हेन वी शुड शुड वी स्टार्ट अप अगेन एट टाइम ऑफ पर्सनल पेपर नाउ एंड स्टार्ट एसएपी, सजेस्ट हाउ मेनी बिजनेस मॉडल्स शुड बी. मतलब देखो, आई ऑलवेज टेल पीपल के आई डोंट माइंड इफ यू हैव, इफ यू वांट टू रन 15 बिजनेसेस एट अ टाइम, देयर इज नो हार्म इन इट. द थिंग इज हाउ मेनी ऑफ देम आर सक्सेसफुल. सो माई फॉर्मूला इज कि जब तक आप एक बिजनेस में सक्सेस ना पा लो, आप दूसरी की तरफ शिफ्ट ना हो, बिकॉज एक बिजनेस इट सेल्फ
काफी आपका टाइम कंज्यूम करेगा सक्सेस हासिल करने के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देयर इज अ बुक विच आई फॉरगॉट विच बुक इट इज, शायद आप लोग को पता हो। उसमें ये बोला जाता है कि इफ यू वॉन्ट हैंड्स ऑन नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यू नीड टू इन्वेस्ट 10,000 आवर्स टू बी नोन एज द स्पेशलिस्ट और प्रो ऑफ दैट फील्ड और दैट वर्क। सही है, आपके गुड 10,000 आवर्स लगे भी होने चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है 10,000 हो सकता है 7,000 आवर्स, कोई काम मांगता हो, कोई 5,000 आवर्स मांगता हो, लेकिन ऑन एन एवरेज एक एक शायद कोई फॉर्मूला निकला है जिसमें लोगों ने बोला कि चलो यार मे बी इट्स अराउंड 10,000 आवर्स। सो कहने का मकसद ये है कि मैं ये बोलूंगा कि किसी भी बिजनेस में आप अगर जाते हो तो गिव योर फुल एफर्ट, एंड फुल एफर्ट तभी लग सकती है अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना हो और क्लटर ना हो जो दूसरी तरफ से आ रहा हो और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो बेहतर ये है कि मतलब आप एक बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से सक्सेसफुल कर लो, आपको फील हो जाए कि नहीं यार ठीक है दिस बिजनेस मॉडल इज डूइंग गुड, अब मैं VAs लगा दूंगा और उनको सिखा दूंगा, अब वो चलाते रहेंगे, इसको ऑटोमेट कर लूंगा मैं और फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। दैट्स व्हेन यू शुड शिफ्ट टू द अदर मॉडल, दिस इज व्हाट आई बिलीव। व्हाट आर gateways you can use on Shopify as Triangle? There are so many gateways that you can use on Shopify, but the ones that you should use are PayPal Business, ठीक है, and Stripe and Shopify Payments. These are the three that I suggest. ठीक है, टू चेकआउट में नहीं करता अब बिकॉज इस पे काफी इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, तो मैं वैसे ही मना कर दिया मैंने। यस दैट कैन वर्क फॉर दैट ऑप्शन वजाहत, मैंने इसके भी मैंने बहुत सारे थर्ड ऑप्शंस दिए हुए हैं, गो थ्रू द स्लाइड्स, उसमें मैंने एक पूरी स्लाइड डाली हुई है कि दीज आर द अदर ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट इन फॉर, और उनकी अपनी API भी होती है जो आप शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐप होती है, तो आपको प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना और उसको फुलफिल करना कोई इतना हैसिल नहीं रहता। वेल आई एम स्टिल क्रिएटिंग द प्रोसीजर, बन चुका है, आई एम ट्राइंग टू रिक्रूट पीपल फॉर दैट और इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैं आई जस्ट जस्ट कांट जस्ट टेक एनी वन ऑन बोर्ड फॉर दैट मैटर, मुझे बहुत देखना पड़ता है, देख के लेना पड़ता है, तो इस वजह से आई एम स्टिल गोइंग थ्रू द होल सिस्टम। मैं जब था मैं इफ यू गो थ्रू माई स्लाइड्स, मैंने वही बताया हुआ है, और मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है आपने, मैंने यही बताया था कि यू कैन ऑलवेज फाइंड अ सप्लायर ऑन अली एक्सप्रेस हु हैज देयर प्रोडक्ट्स आउट एंड अबाउट इन द US वेयर हाउस। आपको लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी आपकी जो है वो अभी वेयर हाउस में है, सो दैट आई कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिकॉज बहुत तेजी से ऑर्डर आएंगे, समथिंग लाइक दैट, तो आपको सच बता देगा। सही है, कुछ लोग बेवकूफ भी बना रहे होते हैं, लेकिन यू हैव टू सी एग्जैक्टली कि उसके सप्लायर के ऊपर, जब मैं वीडियो निकालूंगा सप्लायर सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो करी थी ऑन अली एक्सप्रेस ऑन 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 ईसी, तो इसके ऊपर मैं और भी एक एक वीडियो इसके ऊपर भी निकालूंगा ताकि आप लोग का अंदाजा हो जाए कि सप्लायर सिलेक्शन कैसे होती है। वरना यू कैन ऑलवेज ऑप्ट इन फॉर थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी है मेरी, और इसके ऊपर स्लाइड्स जो है उसमें भी मैंने वो लिंक्स प्रोवाइड करे हुए हैं। शॉपिफाई सक्सेस ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आई मीन शॉपिफाई की वैसे ही माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं अपने आप, और आपने देखा होगा मैं पिछले 4 वीक से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर वीक तकरीबन 2 से 3 सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं इन डिफरेंट शेप्स। कुछ लोग अपने स्टोर के थ्रू अच्छा कर रहे हैं, आपने अभी रिसेंट देखा होगा माशाल्लाह इकरा जो है उन्होंने तकरीबन $100,000 रेवेन्यू स्कोर करा है। व्हाट वाज द ROAS, आई डोंट नो व्हाट द ROAS वाज, रिटर्न ओवर एड स्पेंड, बट बाबर है, देयर सो मेनी पीपल कमिंग आउट अल्हम्दुलिल्लाह इन शॉपिफाई हु आर आइदर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू अदर पीपल, टू गोरे ऑन फाइवर अपवर्क एंड थ्रू पर्सनल कलेक्शंस एंड कनेक्शंस एंड नेटवर्किंग, और देयर स्टार्टिंग देयर ओन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। सो देयर लॉट ऑफ सक्सेसेस बाय नाउ, सो आप लोग आपस में भी कोऑर्डिनेट करके आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। आर वी गोइंग टू हैव PMs फॉर सेशन? वी आर नॉट गोइंग टू हैव PMs प्रोबेबली, वी आर गोइंग टू हैव समवन ऑन बोर्ड ऑफिशियली हु इज गोइंग टू असेस दैट, एंड दैट शुड बी
सून, लाइक आई कैन नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट डेट, बट आई एम ट्राइंग कि अगले बहुत जल्दी मतलब हो जाए. वोंट कमिट टू एनीथिंग कि नहीं अभी बस 3 दिन में हो जाए. तो मैं ट्राई चाह रहा हूँ कि 3 4 दिन में हो जाए, लेकिन गलत हो जाएगा अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि 3 4 दिन में हो जाएगा. नहीं हुआ तो सर प्रोडक्ट मैनेजमेंट वही वाला सवाल है, उससे रिलेटेड सवाल है. आई होप यू गेट द यू गेट यू गॉट माई आंसर. सो हाउ डू यू स्पेंड डीएस टीम? डीएस टीम, यू मीन यू हैव अ टीम एंड यू वांट टू सेंड मी व्हाट दे आर केपेबल ऑफ एंड वेदर और नॉट दे शुड स्टार्ट, और वेदर और नॉट दे शुड बी इन योर टीम फॉर शॉपिफाई डीएस, वेदर और नॉट दे आर क्वालिफाइड टू डू दैट. नो योर टीम और माई टीम. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू बी इन माई टीम एंड ईसीस टीम, देन यू जस्ट हैव टू लेट मी नो पर्सनली कि देखें, डोंट गो आउट एंड अबाउट इन द कम्युनिटी सेइंग कि भाई मुझे रहना है, प्लीज मुझे ले लें इसी की टीम में. ऐसा नहीं करें, मतलब आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, गेट इन टच विद मी, टेल मी कि दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड आप क्या क्या जानते हो, कितना जानते हो, टेल मी एग्जैक्टली ऑल दोज थिंग्स, तो फिर मैं आपको एंटरटेन करूंगा अकॉर्डिंगली, देखूंगा फिर क्या हो सकता है. ठीक है, बिकॉज आई थिंक आई हैव वन स्लॉट, मैक्सिमम 2 स्लॉट्स फॉर दैट, तो फिर मुझे बहुत सोच समझ के लेना होगा. एंड देर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड फॉर इट, तो मैं सबको देख रहा हूँ अभी. ओके, सो करण, द फेसबुक एड स्ट्रेटजी, आप एक बार मेरी बीबीसी की वीडियो देख ले जब मैंने लेटेस्ट अपलोड करी है, तकरीबन 2 2.5 3 घंटे की है, ढाई मतलब 2 से 3 घंटे की है, सॉरी. एक बार देख लें, आपको यू विल अंडरस्टैंड कि जनरल स्टोर की भी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है. ठीक है, जनरल स्टोर पे भी आपको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है टेस्टिंग करनी होती है, एक साथ सारे प्रोडक्ट्स पे टेस्टिंग नहीं करनी होती, मैक्सिमम 3 या 4 प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली टेस्ट करो, दैट्स द बेस्ट वे. ओके, ठीक है, सो पिंटरेस्ट एड्स से आप अर्न कर रहे हो ऑन दिस स्टोर बट नॉट अदर्स. ठीक है, आई लुक इनटू दिस एंड आई लेट यू नो. ठीक है, एक बार मेरी फेसबुक एड स्ट्रेटजी देख लीजिएगा. सर, हाउ कैन यू कैलकुलेट द करेक्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग ऑन आवर स्टोर? हाउ कैन यू कैलकुलेट द करेक्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट? मैं समझा नहीं, वो करेक्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग ऑन आवर स्टोर विद नॉट टू मच और टू लेस प्राइस विद प्रॉपर प्रॉफिटेबल मार्केट प्राइस. ओके, तो इसके लिए इफ यू वांट टू नो व्हाट द मार्केट प्राइस शुड बी, इसके लिए भी मैंने एक स्लाइड शेयर करी हुई है. आइडियली दीज आर द प्राइस पॉइंट्स दैट यू शुड एम फॉर इन कोविड टाइम्स, खास तौर पे, खास कर इन कोविड टाइम्स. डोंट गो फॉर विद एनी प्रोडक्ट व्हिच हैज व्हिच डजंट हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ $15. आई मीन वैसे तो ये टिकट प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ. कोशिश कीजिए कि योर टिकट साइज ऑफ द प्रोडक्ट स्टेज बिटवीन मैक्सिमम $40, मैक्सिमम $40. ठीक है, नॉट मोर देन. आई मीन ऑब्वियसली आई देयर एग्जाम्पल जहां पे लोग $100 $200 के साथ भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोशिश कीजिए. खरीदना आसान होता है $40 तक की चीज को लोगों के लिए, तो गो विथ समथिंग जो $40 तक का जिसका टिकट साइज हो मैक्सिमम, और प्राइस पॉइंट उसकी, अब वो वही बात है कि फेस वैल्यू पे भी बहुत डिपेंड करता है प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती है जो $15 की होती है, आप उसको इजीली $30 का बेच सकते हो, इससे कम का नहीं बेचना, और $15 की आप उसको जो है ना $50 का भी बेच सकते हो, $40 का भी बेच सकते हो. मैंने ऐसी कैनवस पेंटिंग्स हैं जो $40 की थी और मैंने उनको $150 का बेचा और वो बिकी एक्चुअली, फॉर रियल बिकी. ठीक है, तो इट रियली डिपेंड्स एक्चुअली कि क्या हो सकता है, फेस वैल्यू बहुत डिपेंड करती है इसके ऊपर. इसका मैं जवाब दे चुका हूं, प्लीज इस सेशन को फिर से देख लीजिएगा. मैं आई कैन नॉट जस्ट गो explaining all of this again. It won't be harmful if you just don't run that particular ad for a very long time. अगर आप बहुत देर तक उसी ad को चलाते रहोगे अपने competitor को, तो issue आएगा. तभी मैं बोलो हल्की फुल्की plagiarism उसमें से हटा सकते हो, copyright issues हटा सकते हो उस particular video में से, और अपना एक touch देके अपने designer से या video editor से या Fiverr के किसी video editor से करके थोड़ा सा अपना बना के कर सकते हो.
मैं खुद भी वीडियो एड्स बनाता हूँ, वीडियो आई मीन मैं करता था, अब मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं खुद पहले जितनी भी वीडियो एड्स है ड्रॉप शिपिंग की वो मैं खुद बनाता था, और मैं आप लोग को एक बीबीसी में एक ऐसी वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कि किस तरह बनाते हैं। वेरीफाई निश फॉर अमेजॉन एफिलिएट वीडियो, हाउ विल बी वेरीफाई निश फॉर अमेजॉन एफिलिएट। ये सवाल वैसे इस सेशन का तो नहीं है, लेकिन देन अगेन मैं अभी पहले चाह रहा हूँ कि मैं मुझे किंडल और शॉपिफाई का ज्यादा थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर जरा ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जिस जिसके पास अमेजोन एफिलिएट की निश फाइनलाइज हो गई है, मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं उनकी निश को देख सकता हूँ कि भाई क्या करा जा सकता है इस बारे में। ठीक है, ट्राई टू रीच मी आउट इन दिस रिगार्ड। सर, इफ वी हैव स्टोर्ड द जनरल प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी शुड बी यूज इन फेसबुक एड्स टू टारगेट ऑडियंस टू आवर वेबसाइट? मैंने बताया, तो अभी तो मैंने बताया 3 से 4 एड्स के साथ स्प्लिट टेस्टिंग करें आप लोग साइमल्टेनियसली टू सी व्हिच एड इज परफॉर्मिंग बेटर। सर, देयर आर मेनी सप्लायर्स इन लीड्स दैट आर कमिटेड टू शिप फ्रॉम यूएस। देखिए, इसका एक तरीका ये होता है कि आप सप्लायर रेटिंग देखते हो, तो अगर सप्लायर की रेटिंग बहुत अमेजिंग है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो देयर इज अ गुड चांस कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उसके रिव्यूज हों अच्छे खासे और उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हों। और पहले अली एक्सप्रेस ये करता था कि वो डायमंड वगैरह दिखा देता था, बता देता कि किस फाइबर इस पर्टिकुलर सप्लायर की एग्जैक्ट रेटिंग क्या है, आप ये टूल यूज कर लो अली इनसाइडर, तो ये इसको आपको और ज्यादा इंसाइट देगा कि सप्लायर रिलायबल है कि नहीं है। और थोड़ा सा ये होता है कि असल में बहुत सारे लोग जो अली एक्सप्रेस पे होते हैं वो खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमिन करना एक कोई सॉलिड तरीका नहीं है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि हमेशा वो एक एवरेज प्राइस पॉइंट जो चल रहा होता है उस प्रोडक्ट का, उससे ऊपर बेच रहे होंगे। और आप लोग उससे हमेशा बात कर लें एक बार, तो आई नो काफी सारे सप्लायर झूठ भी बोलते हैं। दूसरा तरीका यही है कि फिर आप लोग जो है ना किसी थर्ड पार्टी सोल्यूशन की तरफ जाएं, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। सर, आई वांट टू आस्क अबाउट फ्रीलांसिंग शॉपिफाई सर्विस, पीपल आर प्रोवाइडिंग प्रीमियम थीम एंड लो प्राइसेस, इज देयर एनी थीम दैट वी कैन यूज मल्टीपल स्टोर? देखिए, अगर कोई आपको अच्छा पैकेज दे रहा है, प्रीमियम थीम दे रहा है एट लो प्राइस, तो फिर आप लोग चले जाएं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप उससे बोलें कि मुझे इसका लाइसेंस चाहिए और इसमें क्या जो भी अगर कोई इश्यूज हुए तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है, तो लेट हिम नो कि कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे, और फाइवर आप लोग को प्रॉब्ली उस केस में सपोर्ट भी करेगा, तो यू कैन गो एंड गो अबाउट डूइंग दैट। और आप लोग उसको डरा भी दो एक बार, बोलो कि अगर कल को मेरे ऊपर कोई क्लेम आया कि लाइसेंस टीम नहीं यूज कर रहे और आप ये किस तरह यूज कर रहे हो, तो मैं आई विल गेट रिफंड एंड आई विल कंप्लेन टू फाइवर अबाउट दिस। ठीक है, Is there any way to search ads on particular interest that people target on Facebook ads? I mean, आप main keyword लिखो ना। I mean, अच्छा, so आप search volume वगैरह जानना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि Facebook ये बताता है कि इस हमारे database में जो है इस particular keyword का जो है ना इतना search volume है, ऐसा कोई scene नहीं है। ठीक है, on Facebook मैं बोल रहा हूँ, people on Facebook ads. Research ad on particular interest. एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके, सो देयर इज वन वे ऑफ डूइंग सम दिस, सही मैं बताता हूँ। साइम मुस्तफा, करण साइम मुस्तफा, अगर आप फेसबुक एड्स में जाते हो, ठीक है, मैं बिजनेस में अपने बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद आप लोग ऑडियंस इनसाइट्स पे जाते हो, तो एक टूल आप लोग इंस्टॉल कर लो अपने पास जिसका नाम है
नो, ये नहीं, ये प्रिसाइस मैग्नेटिक, ये क्रोम एक्सटेंशन है, प्रिसाइस मैग्नेटिक, ठीक है। डॉटेड आइकन के ऊपर क्लिक करो, टॉप लेफ्ट पर, नीचे स्क्रॉल करो, ऑडियंस इनसाइट्स पे जाओ। कहाँ चला गया? ठीक है, ऑडियंस इनसाइट्स के बाद एवरीवन सेलेक्ट करना। और प्रिसाइज मैग्नेटिक टूल, ये तो आपको यूज करना ही है, फेसबुक का अपना टूल। फिर उसके बाद जब अपनी सारी रिसर्च कर लो, क्या डेमोग्राफिक्स हैं आपके टूल, आपके प्रोडक्ट के, ये वो सारी चीजें, क्या डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, प्रिसाइज मैग्नेटिक टूल को भी यूज करो। शो टूल, अपना कीवर्ड लिखो, जैसे कि जो कोई कीवर्ड बताओ, आप लोग कोई कीवर्ड बताओ, जल्दी से कोई कीवर्ड बताओ। ठीक है, डेंटिस्ट फॉर एग्जाम्पल, कीवर्ड बहुत जेनेरिक होना चाहिए, सही है, नॉट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हो भी सकता है, लेकिन अलग अलग कीवर्ड्स के साथ ट्राई करो। अब मून लैम्प कौन लोग यूज करते हैं, मून लैम्प किनको पसंद होगा, जो प्रोबेबली एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, या हु आर इन लव विद स्टार्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, तो आप जो भी उस एरिया को बोलो, एस्ट्रोनॉमी, व्हाटएवर दैट इज, सही है। एंड और कौन हो सकता है मून लैम्प, और किसको खूबसूरत लग सकता है मून लैम्प? बच्चों को अच्छा लग सकता है, लाइक ऑब्वियसली उनके किड्स, उनके रूम के लिए, तो असल में बच्चे तो नहीं खरीदेंगे, तो कौन हो सकता है? पेरेंट्स, राइट, आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो। और कौन पसंद कर सकता है? पीस लवर्स, एग्जैक्टली, पीस लवर्स हो सकते हैं। और एक मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, इंटीरियर डेक, जिनको इंटीरियर डेकोरेशन बहुत पसंद है, जिनको अपने घर सजाना बहुत पसंद है, ठीक है, उनको पसंद हो सकता है। तो मैंने आप लोग को तीन चार एग्जाम्पल्स बता दी, तो आप लोग ये अलग अलग बार ट्राई करोगे ये कीवर्ड्स डाल के। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, डेंटिस्ट करा, बाकी सारी चीजें ओपन रख दें, सर्च करें। ये आपके पास डेंटिस्ट से रिलेटेड कुछ, सिर्फ कुछ होंगे जो इररिलेवेंट होंगे, बाकी सारे करीब होंगे काफी, सही है। सबसे शुरू वाले डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट्री, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, विनीर डेंटिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, शायद किसी और जो डेंटिस्ट हो उसको पता होगा। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, आई डोंट, ये किसी और जबान में डेंटिस्ट्री है। एंड कैट कैम डेंटिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट दिस इज अगेन, मैं क्योंकि हूं नहीं, इस चीज को जानता नहीं हूं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अमेरिकन एकेडमी ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, सही है, ये एक और कुछ है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, अगेन डोंट नो, अगेन एकेडमी ऑफ जनरल डेंटिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोग को ये मिल गए। अब आप लोग ये बोलते हो कि एफिनिटी ऑडियंसेस जो डेंटिस्ट को लाइक, या जो इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड और कौन से ऐसे इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं, तो इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। रुकिएगा जरा, पेजेस खोल लेते हैं, क्या हो गया इसको? अच्छा, सो दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हो ना, तो आपको पूरी वो एक लंबी सी लिस्ट खोल के दे देता है, जिसमें डिफरेंट पेजेस इससे रिलेटेड, डेंटिस्ट से रिलेटेड, आई थिंक दैट्स हाउ इट इज, उनका रैंक क्या है, ऑडियंस क्या है, कितनी ऑडियंस ओवरलैप कर रही है, और एफिनिटी क्या है, वो सारी चीजें आपको बता रहा होता है, सही है। तो दिस इज अ वेरी गुड टूल एक्चुअली। अभी ये क्यों नहीं काम कर रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चले मैं एक और कोई कीवर्ड लिखता हूँ, दराज, आई थिंक सी पाकिस्तान, दराज ऑनलाइन शॉपिंग, आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल से कोई शायद एक्सटेंशन इसको तंग कर रहा है या क्या कर रहा है, ये अभी ऐसे हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग अकेले में सर्च करो तो ये बहुत आराम से काम कर रहा होता है, काफी मशहूर टूल भी है, टू टेक आउट मोर ऑडियंसेस एंड ऑल, ठीक है। तो ये यूज कीजिएगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, ये यूज कीजिएगा, दिस इज अ वेरी गुड टूल, ठीक है, एंड आपको ऑडियंस साइज भी बता देगा ये।
अच्छा सर, अहमद का सवाल अच्छा है कि अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट तीन लोग चला रहे हैं और मैं चौथा बंदा हूं और मैं उसमें अपना मतलब पैसे उठाना चाह रहा हूं, तो क्या तरीका है कि मैं उस एरिया में पैसे उठा सकूं? मैं बताता हूं आपको। आपको पता है लोग पुराने प्रोडक्ट्स को उठा के, जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी लोग उठा के जो है उसके ऊपर अच्छी खासी सेल स्कोर कर देते हैं। उसका तरीका होता है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट होता है वो। प्लेसमेंट मैं फेसबुक एड्स वाली प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा कि वो आप उठा के न्यूज फीड से उठा के आपने स्टोरीज पे कर दिया, नहीं। आप पोजिशनिंग जो है अपने कस्टमर के दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किस तरह कर रहे हो, पोजिशनिंग वॉज द एक्चुअल वर्ड एक्चुअली। मतलब मैंने आपसे ये बोला, इसने किसी ने बोला मून लैंप। अब मून लैंप किस किस को पसंद हो सकता है? एस्ट्रोनॉमर्स को पसंद होता है, एस्ट्रोनॉट्स को पसंद हो सकता है, मे बी वो मून लैंप किड्स के रूम में रखा जा सकता है खूबसूरती के तौर पे, पेरेंट्स, सही है। और किसको? इंटीरियर डेकोरेटर्स को पसंद हो सकता है, सही है, कि वो अपने किसी ड्राइंग रूम में रखें या कहीं पे रखें। तो दीज आर जस्ट थ्री एग्जाम्पल्स, दीज आर जस्ट थ्री एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक बंदा अगर वो एस्ट्रोनॉट्स को टारगेट कर रहा है, या वो लोग जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, ठीक है, या इस तरह की फील्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इन हु लाइक बेसिकली स्टार्स, मून्स, दिस एंड दैट, उनको बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों का पसंद है, तो उनको टारगेट करेगा। दूसरी जो वीडियो होगी, वीडियो से असल में फर्क पड़ेगा। जो वीडियो आप बनाओगे उसमें आप दिखाओगे कि किस तरह पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के रूम के लिए जो है ना मून लैंप ले रहे हैं टू लिट देयर रूम, या फिर टू ट्रीट इट एज वे व्हेन दे गो टू बेड, तो सिर्फ ये एक लैंप एक अच्छा सा लगता है उनके रूम में, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, ग्लो इफेक्ट दे रहा है। तीसरा वे कि किस तरह जो है ना इंटीरियर डेकोरेशन में काम आ सकता है। तो पोजिशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द वीडियो एक्चुअली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, कि वो किस तरह पोजिशन कर रहा है और आप उसको किस तरह डिफरेंट वे में पोजिशन कर सकते हो ताकि लोग उसको खरीदें। अब मुझे याद है, हाँ, अब जैसे कि मैं, आप लोगों ने देखा कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। अब लोग जो है ना मुझे याद है कुछ था, आई डोंट स्टिल रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ, अब एक वो ग्लासेस आते हैं ब्लू रे, एंटी ब्लू रे ग्लासेस, एंटी ब्लू रे कुछ ऐसे करके नाम था, एंटी ब्लू रे ग्लासेस करके कुछ नाम था, ब्लू लाइट आई ग्लासेस, एंटी ब्लू लाइट आई ग्लासेस, ठीक है। अब ये ग्लासेस क्या करते हैं, ये ब्लू लाइट जो होती है ना, जो आपके मॉनिटर से या आपके टीवी से आ रही होती है, उसको कैंसिल आउट करके और फिर बाकी हिस्सा आपके आंखों तक पहुंचाती है थ्रू दीज ग्लासेस। तो इससे आपकी आईज अफेक्ट नहीं होती। तो मैं हम लोग बेसिकली ये देख रहे थे कि क्या चल रहा है इसके ऊपर। तो ये इसकी पोजिशनिंग मेजोरिटी लोगों ने जो करी हुई थी ना, वो किड्स के लिए करी हुई थी, किड्स बच्चों को टारगेट किया, बता, ठीक है। देखिए, प्रोटेक्ट देयर आईज नाउ 50% ऑफ, ये देखें। तो हम लोग ने ये देखा, फिर हम लोग ने सोचा कि यार ये और कौन किसके लिए काम का हो सकता है। तो हम लोग को ख्याल आया, क्योंकि मैं खुद एक गेमर हूं, कि वो लोग जो लोग घंटों घंटों पीसी पे बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्कर्स, पोजिशनिंग, देन अगेन बच्चों के लिए काम आ सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे आईपैड पे बहुत लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, ऑल दैट। ऑफिस वर्कर्स, पोजिशनिंग पर, मतलब मैं एक वीडियो बनाता हूँ जस्ट फॉर ऑफिस वर्कर्स, के आप कितने घंटे तक जो है अपने पीसी पे बैठे रहते हैं, आपका काम ऐसा है तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं आपकी आंखें, यू पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर आईज एंड दिस विल। और फिर मैं एक फियर इफेक्ट डालूंगा कि एवरी ईयर 20% लोग जो हैं वो अपनी आईसाइट इतना जो है उसमें मतलब जो भी कमजोर कर देते हैं, इतनी आवाम, मतलब फेक सी, बहुत सारे लोग फेक फिगर्स दे रहे होते हैं, सही है। और तीसरा भी क्या है कि वो लोग जो कि पीसी पे बैठ के घंटों गेमिंग करते हैं, प्रोफेशनल गेमर जिनको हम बोलते हैं ई स्पोर्ट्स, अगर आप लोग को पता नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स ये एक प्रॉपर टर्म है, और इसके ऊपर हर महीने और हर साल बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, 20-20 मिलियन डॉलर्स के, 10-10 मिलियन डॉलर्स के, सही है। और ये वो लोग होते हैं स्पेसिफिकली जो 24-24 घंटे, 18-18 घंटे जो है ना पीसी के सामने बैठ के जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और फिर ये लोग इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। दीज इवेंट्स आर ह्यूज ह्यूज इवेंट्स, ह्यूज ह्यूज इवेंट्स, सही है। बताने का मकसद क्या है कि देन यू कैन टारगेट दीज पीपल एज वेल। आपके टारगेटिंग का नजरिया होना चाहिए इन द वीडियो एड्स, इन द वीडियोस दैट यू मेक,
एक नजरिया होना चाहिए, उसकी पोजिशनिंग होनी चाहिए। यू शुड नो कि अगर आपका कॉम्पिटिटर एक मार्केट को घेर के बैठ चुका है तो आप उसको और किस तरह से जो है डिफरेंट तरह से पोजिशन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द होल आइडिया। सी, अगर आप ई पैकेट कर रहे हो तब तो इट्स नॉट गोइंग, मतलब इट इज गोइंग थ्रू एयर, बट देन अगेन कोविड की वजह से आपको पता है कितने ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं एंड व्हाट नॉट, सही है। तो आप इस चीज के बजाय जो है ना, बेहतर है कि आप उन सप्लायर्स को देखें जो अभी यूएस में जल्दी 5 से 7 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो मैंने लिस्ट दी हुई है, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द फोर्थ टाइम, एक बार उस लिस्ट को देख लें तो आप लोग के ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। मैंने एक सप्लायर्स की लिस्ट बनाई हुई है अपनी स्लाइड्स में, और उसमें जो है ना बेसिकली मैंने सारे, काफी सारे सप्लायर्स की मैंने लिंक दिया हुआ है जिनको आप रीच आउट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कितने दिन में पहुंचा रहे हैं। वो 90% शोरूम आपको बोलेंगे 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन में पहुंचाएंगे भी। और दूसरी चीज अगर नहीं है तो फिर आप उनको बोलेंगे सही है मुझे ये प्रोडक्ट है, ये मुझे सोर्स करवाना है, फिर वो आपको बोलेंगे 70% आप दोगे इसके सोर्स कराने के पैसे, 30% हम देंगे, वो मंगवा के अपने वेयर हाउस में रख लेंगे और फिर आप वहां से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर बता चुका हूं, फिर वही सवाल सर, हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स। वैलिडेशन के लिए ये वैलिडेशन पॉइंट्स आप लोग फॉलो कर सकते हो स्लाइड के ऊपर, प्रोडक्ट वैलिडेशन टेक्निक्स है सारी, ठीक है। ये सारे वैलिडेशन प्रोडक्ट्स वैलिडेशन पॉइंट्स याद रखो, और जो बिल्कुल शुरू में मैंने बताए थे ये सारे, ठीक है, ये भी वैलिडेशन पॉइंट्स है सारे, इन वैलिडेशन पॉइंट्स को याद रखो। आई मीन इमेजेस नहीं आ रही बिकॉज इंटरनेट का थोड़ा शायद कुछ इशू चल रहा है, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू वैलिडेट योर प्रोडक्ट एंड देयर फ्यू अदर्स, लेकिन इंशाल्लाह मैं इंक्लूड कर लूंगा। Why to test again? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी है, वो आपके नजरिए से अच्छी है, आपको कैसे पता ये बात कि देखें, you don't have Jungle Scout or Helium 10 for AliExpress. You're using so many different tools जो आपको insights दे दें इस चीज के ऊपर। There are lot of tools that still need to be made. आपको, आप 100% श्योर नहीं हो सकते किसी चीज के बारे में। एक DR representative जो होता है ना, digital marketing representative, उसका काम ये होता है कि वो हर चीज को टेस्ट करे, टेस्ट यूर इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मॉडल्स के ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग ही सारी चीजें कर रहे होते हो। आप किसी भी चीज को टेस्ट करे बगैर अपना कोई कंक्लूजन नहीं ड्राइव कर सकते। आप सिर्फ हाइपोथेसिस होता है आपका कि मेरा ख्याल है कि ये चीज ऐसे होगी या ये विनिंग प्रोडक्ट है, तो उस ख्याल को आप कंफर्म करने के लिए मजीद टेस्टिंग करते हो। यू कैनॉट गो विदाउट इट। How to select area for target? BBC में videos हैं, वो आप देख लें, वरना you have to wait. सही है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, Facebook की BBC videos देख लो आप लोग। सर, also please tell. ये देखें, Kindle के वक्त आप Kindle की मांगी का, अभी फिलहाल मैंने ड्रॉप शिपिंग की शेयर कर दी है, प्लीज वो आप लोग देख लें। और मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, हर क्लास में शेयर करता हूँ, मुझे बार बार शेयर करने का कोई मसला नहीं, लेकिन अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग की शेयर कर दी आप लोगों को, प्लीज स्टिक टू दैट। अभी Kindle की नेक्स्ट वीक से क्लास है, तो आप लोग उसमें मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। Those products which have lower price on AliExpress, because वो आपको कोई एक supplier मिला होगा जो आपको, देखें, it's usually the supplier, कोई supplier आपको ऐसा मिल गया होगा जो महंगा दे रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे लिंक सेंड करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वापस से काउंटर लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें सप्लायर आपको वो ज्यादा बेहतर प्राइस पे दे रहा होगा वही प्रोडक्ट, या कुछ और रीजन होगा, मैं देखे बगैर इस तरह बता नहीं सकता। सो मैं भूल गया, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बेहतर बता दूंगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ है, आई थिंक यूएस एंड यूके की, आई एम नॉट श्योर, बट यूरोप साइड है, यूएस की पेपैल फी में शायद कुछ डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता दूंगा, मुझे अभी दिमाग में है नहीं मेरे, लेकिन ये आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लीजिएगा।
you should add run ad. If you have a general store, then add run ad on multiple products. If you have a one product store, then add run on run ad on one product. Say, test fit at least three to four products. मतलब 3 to 4 products ad use करें आप. हाँ, exactly. Use Facebook ads. Please buy any drop. Ship का थोड़ा idea दे दें. Ali drop. I'm sorry. Ali drop ship की बात करें. Ali insider की बात करें. क्या बात करें? अली ड्रॉप शिप का आपको आइडिया दे दूं. ओके, खैर बहरहाल दिस द क्वेश्चंस आर प्रीटी मच डन. ठीक है, आई एम क्लोजिंग द स्क्रीन फॉर नाउ. एक मिनट रुकिएगा. एक सेकंड रुकिएगा जरा. So Ali regarding the Shopify main benefit like differently. अच्छा चलो मैं इसके ऊपर बात. Questions खत्म हो गए. I'm not taking any more questions for now. ठीक है. Ali dropship is for WooCommerce यार. और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, अगर आप वापस slides पे ऊपर जाओ या मेरे sessions लो, तो मैंने उसके ऊपर काफी details share भी करी हुई हैं. ठीक है, ये देखें. ठीक है, क्या मसले हैं, क्या मसले, क्या फायदे हैं शॉपिफाई ओबेरलू के साथ काम करने के, क्या मसले हैं वूकॉमर्स अली ड्रॉपशिप के. ओबेरलू ना भी हो तो आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं. ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई हैव गॉन थ्रू दिस. आप बेहतर है सेशन फिर से वो वाला ले लो, लेकिन डेफिनेटली देखें पूरी दुनिया शॉपिफाई 80% लोग ड्रॉप शिपिंग जो है ना प्लस, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा वो अली एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस के अलावा वो हो सकता है कोई और यूज कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है. ओबेरलू ऐसा एक्सटेंशन ना यूज कर रहे हो, सकता है कोई और यूज कर रहे हो, ये भी मुमकिन है. लेकिन वू कॉमर्स इज बेसिकली अनदर प्लग इन ऑन टॉप ऑफ वर्डप्रेस, एंड देन यू यूजिंग अनदर प्लग इन ऑन टॉप ऑफ दैट प्लग इन टू इंटीग्रेट बेसिकली टू डिफरेंट प्लग इन, अली ड्रॉपशिप एंड वू कॉमर्स. देयर आर लॉट ऑफ ग्लिचेस इन दैट एज वेल. हमने काफी फेस कराए हैं, कस्टमर्स भी काफी फील करते हैं. तभी Shopify as a whole is just made for e-commerce. WordPress is made for multiple purposes. ठीक है, so वो multiple purposes के लिहाज से अपने area में बहुत ज़बरदस्त serve कर रहे हैं, but it's not just made for e-commerce. It is made for multiple purposes. Shopify where has जो सिर्फ एक area में अपने आपको expertise रखी हुई है, जाहिर सी बात है वो अपने आपको जो भी glitches होंगे उसने जल्दी overcome कर लिए with time. तो मेरा सजेशन आप लोग को यही है कि स्टिक विद शॉपिफाई, लेकिन आप लोग की मर्जी अगर इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स. और फिर मैंने अली ड्रॉपशिप इसमें नहीं कर रहा कवर, बिकॉज देन अगेन वो पूरी एक अलग स्टोरी है, उसके ऊपर डिफरेंट पूरा डैशबोर्ड दिखाना पड़ेगा एंड ऑल दैट. फायदा नहीं है कोई भी इसमें, चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकती है वर्डप्रेस में. मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं बाद में आप लोग को शेयर कर दूंगा.
जी सॉरी, आई थिंक कुछ इशू क्रैश कर गया था मेरा जूम। मैं बस आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? मैं अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है कि अब मैंने आप लोग को इसका बता दिया, शॉपिफाई एंड अली ड्रॉप शिप के बीच का डिफरेंस, एंड एफबीए होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। देखें, एफबीए होलसेल इज हैज लो रिस्क एपेटाइट कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? लेकिन देन अगेन, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए कि एनीथिंग, आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। सो एनीथिंग दैट हैज लो रिस्क एपेटाइट हैज कंपैरेटिवली लो रिटर्न्स, बट इट इज सेफ। तो मतलब आई थिंक बोथ ऑफ द मॉडल्स, कोई आई वी आर कंपेयरिंग, कंपैरिजन आई डोंट थिंक कि सही है एफ बी होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग का, बिकॉज दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड मैं समझता हूं कि इफ समवन वांट्स टू गो विद, किसी का माइंड बना होना चाहिए दोनों बिजनेस मॉडल समझने के बाद। इफ समवन हैज अ विजन के यार मुझे इस तरह का बिजनेस मॉडल करना है, तो उसको काफी क्लियर हो जाएगा कि उसको एफ बी होलसेल सेलेक्ट करना है या ड्रॉप शिपिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं फील होगी कि यार मुझे डिसीजन मेकिंग में मुश्किल हो कि यार मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स प्रीटी मच इट। चले गाइस, आई एम ऑफ नाउ, आई एम गोइंग टू हैव डिनर, एंड कोई भी क्वेश्चंस हो लीव इट ऑन द कम्युनिटी, आई विल गेट बैक टू यू गाइस, एंड इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव मोर सक्सेस स्टोरीज रोलिंग इन। प्लीज फेसबुक एड्स का एक बार सेशन देख लीजिएगा तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। स्लाइड का लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ, एक बार और शेयर कर रहा हूँ, ये लीजिएगा। देखें आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग एक बार फेसबुक एड्स के सेशन से जाएं बीबीसी वाले। मैं एक किसी वजह से कह रहा हूँ आप लोग को ये समझ आ जाएगा कि कितने बजट से स्टार्ट करना चाहिए, चीजें समझ आ जाएंगी आप लोग को, उसमें क्लैरिटी हो गई है, तभी मैं आप लोग को बार बार बोले जा रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट एटलीस्ट। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, स्लाइड्स नहीं है, ठीक है? गॉड स्लो चल रहा है बहुत। ठीक है, ये ले स्लाइड्स का लिंक, प्लीज मैंने दे दिया है, अब चलें। सही है, आई एम ऑफ देन, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, चलें। सही, ओके, अल्लाह हाफिज।